एंड मम्मी पापा अभी अभी जस्ट कर रहा है उसका उपटन फेस. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी बज रहे हैं सुबह के, ये देखो 4. एंड मम्मी पापा अभी अभी जस्ट कर रहे हैं तो उनका सारा सामान सैनिटाइज वगैरह हो चुका है एंड वो अभी नहा रहे हैं. और सुबह के 4 बजे, आई थिंक 3:30 को उनका ट्रेन पहुँचा है. एंड आज लाइक 1 month 6-7 days बाद मम्मी पापा घर आए एंड उनके चेहरे पे वो रिलीफ दिख रहा है कि हाँ घर आ चुके हैं. तो अभी सामान सब बाहर ही है, सैनिटाइज वगैरह हो चुका है, वो दोनों नहा रहे हैं. तो मैं अभी बनाऊंगी चाय, उसके बाद शायद मैं फिर से सो जाऊंगी. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. सुबह जब मैं 4 बजे उठी थी उसके बाद मैं सो गए और फिर मैं 10 बजे उठी नींद से. एंड फिर जो हुआ एज़ यूजल, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट करना वगैरह वगैरह. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मास्क लगाऊँ. मतलब मैं बहुत दिनों से ये ट्राई करना चाहती थी बट हुआ नहीं संभव. मतलब ख़रीद के मैंने बहुत पहले ही रखा था एंड एड्रेस जो था मेरे घर का था, तो मैं थी गुवाहाटी में, तो पॉसिबल नहीं हुआ. तो अभी मैंने 2 दिन मिडिल में यूज़ किया है बट फिर से बहुत गैप हो चुका है. तो आई थिंक बहुत लोग फेमिलियर हैं इस मास्क से, मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क. तो मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद है, जो उपटन का स्मेल होता है. सो आई थॉट क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ. तो वही ट्राई मैंने एक्चुअली किया है, 2 दिन मैंने लगाया था बट इतने गैप्स हो गए हैं कि मतलब रेगुलर बेसिस पे लगाने से जो प्रॉफिट होता है गैप देने से उतना नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है. सो और मेरे जैसे जो लोग लेज़ी हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है. कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदो एंड उसे यूज़ ना करो तो उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं. ये पार्ट जो है, जो गैप वाला पार्ट है, ये वाला, ये देख के ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मैंने बहुत यूज़ किया बट एक्चुअली नहीं किया है. ये ऐसे ही था स्टार्टिंग से. हाँ, मैंने इसका जो ऊपर का ये लिड था यहाँ से लगाया है. 2 दिन ये मैंने ख़त्म कर दिया तो अभी मैं इसको लगाऊँगी. एंड मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स वैसे भी मैंने जितने दूर सुना है अच्छा होता है. मतलब मैंने टिप्स लिया था मेरे कजिन्स लोगों से, वो लोग भी लगाते हैं. सो दे सेड कि बहुत अच्छा है और आई शुड ट्राई मामाअर्थ वाला उपटन फेस मास्क. तो अभी मैं वही ट्राई करूँगी. सो लेट्स सी, ये लगाते हैं, इसके बाद मैं भूत जैसी दिखूँगी. एंड सबका रिएक्शन बहुत गंदा होता है जब भी मैं मास्क लगाती हूँ, ये एक्चुअली में गंदा दिखता है. तो अभी पहले ये लगाते हैं. आई नो, बहुत अच्छी लग रही हो. सो मास्क मैंने लगा लिया है एंड ये ऑलमोस्ट सूख भी चुका है. एंड वो लोग बोलते हैं कि 5 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, बट मैं बोलती हूँ कि जब तक ये ना सूख जाए तब तक रखने दो, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड ऑल. अगर धूप वूप होता है, गर्मी होती है तो जल्दी सूख जाता है. एंड आप अगर फ़ैन के नीचे बैठो तो और जल्दी सूख जाता है. सो डिपेंड्स कि कब सूखता है, उसके बाद इसे अच्छे से धो दो, फिर कुछ मॉइस्चराइज़र हो लगाओ. देन ये मुझे एक्चुअली इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे बालों में भी लग चुका है. एक्चुअली मैंने सुना है कि अगर उपटन वगैरह बालों में, आईब्रो में या आईलैशेस में लगता है तो वो मतलब
जो आई लैश है, आईब्रो है, वो गिर जाते हैं, मतलब रूट्स लूज हो जाते हैं। तो इसलिए तब एक्चुअली हुआ, मेरे आई लैशेज में भी लग गए थे। सो मैंने सोचा अगर अभी मेरे आई लैशेज गिर गए तो मैं कैसे दिखूँगी। तो मैंने फिर से पूरा क्लीन किया, फिर मैंने लगाया। तो ये सेकेंड टाइम है और ये अभी सूख चुका है, इसलिए मैं बालों में अगर लग जाते तो मैं इसे जल्दी हटा देती। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं कि बालों में लगने से बाल गिर जाते हैं, बट सुना है। तो आई कांट टेक रिस्क। सो अभी ये सूख चुका है, अभी इसको क्लीन अप करते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर मिलते हैं। मेरा नहाना वहाना सब हो चुका है, अभी करूँगी लंच। तो आज है ट्यूसडे, सो ट्यूसडे को वेज बनता है एंड आज भी वेज है। बट आज मैं एक नया कुछ ट्राई करने जा रही हूँ, कर्ड राइस। कर्ड राइस इन द सेंस कर्ड और राइस को मिक्स करके हम नॉर्मली, मतलब बहुत लोगों ने खाया है, मैंने भी खाया है, बट इसमें तड़का लगता है। सो आई विल शो यू कैसे बनता है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सो आज मैं वही खाऊँगी, तो आपको भी दिखा देती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग समडे तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें मैंने तेल दे दिया है। तेल ऑलरेडी गरम हो चुका है, तो अभी मैं इसमें दूंगी सरसों जो अभी फूटने वाला है एंड ये रहा। तो सरसों जो है वो फ्राई होने के बाद काला हो चुका है, इसलिए काले कढ़ाई में नहीं दिखाई दे रहे। बट अभी मैं दे रही हूँ करी पत्ता, जितना भी था मेरे पास मैंने सब दे दिया। इसे हल्का सा फ्राई करना है। तो जो करी पत्ता था वो फ्राई हो चुका है, उसके साथ मैंने थोड़े से ग्रीन चिलीज कट कर लिए हैं। और यहाँ पे है राइस, जो भी रेगुलर राइस हम खाते हैं वही है। एंड अभी इसमें बस मिक्स करना है। तो फर्स्ट मैं डाल रही हूँ दही, ये है मिष्टी दही, स्वीट दही। आप चाहो तो खट्टा वाला यूज़ कर सकते हो, एज़ पर योर विश। फिर उसके बाद हम देंगे जो करी पत्ता और सरसों हमने फ्राई किया था, वो मैंने थोड़ा ड्राई रखा है ऑयल, क्योंकि मैंने ऑयल कम दिया था। अगर आप चाहो तो ऑयल ज़्यादा दे के रख सकते हो। उसमें ग्रीन चिलीज़ भी है। फिर मैंने दिया है अभी सॉल्ट। फिर अभी मैं दूंगी चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि ये खट्टा है, एंड अगर किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद है देन बिना चीनी के भी खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अभी बस हमें इसे करना है मिक्स 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 एंड मिक्स। तो बहुत टाइम तक मिक्स 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 वाला गेम खेलने के बाद ये मिक्स हो चुका है एंड इट्स रेडी टू ईट। मैंने जो कंटेनर लिया है वो बहुत छोटा है, इसलिए मिक्स करने में मुझे बहुत, मतलब टाइम लगा। बट आप ये गलती मत करना, बड़े कंटेनर में ही लेना। तो ओवर एक्टिंग थैंक यू को वेलकम क्या वेलकम देखो ना, मैं टेस्ट को ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, इस लड़के ने खा लिया है उसे। देना फूलों का बुझे कुछी दिख का बूटा बन जाए कुछी कुछी ये जो पापा जाने छोटे छोटे को लगता है कुछ ना। आई एम एबीडी एबीडी तुम एबीसीडी एबीडी तुम को ये एको एको ना लाग को तुम ये जब वो उड़े से राकेश सो इवनिंग के इतने अच्छे वेदर के बाद विद थॉट ऑफ मेकिंग सम चिकन कटलेट्स एंड हियर दे आर। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक शेयर कर देना। कोविड का टाइम है, प्लीज़ स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाहर मत निकलो जितना दूर पॉसिबल है ऑब्वियसली। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।